हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय टीम के एक उभरते हुए स्टार बॉलर खलील अहमद के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल की बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं खलील अहमद के पर्सनल डिटेल्स के बारे में। तो आपको बता दें कि खलील अहमद का फुल नेम है सैयद खलील खुर्शीद अहमद। यदि बात करें उनके निकनेम की, तो उनका निकनेम है खलील। खलील अहमद का जन्म 5 दिसंबर 1997 को टोंक राजस्थान में हुआ था। 2021 के अनुसार वो फिलहाल 24 वर्ष के हैं। यदि बात करें उनके राशि चक्र चिन्ह के बारे में, तो उनका राशि चक्र चिन्ह है धनु राशि। दोस्तों, अब बात करते हैं खलील अहमद के फिजिकल स्टैट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि खलील अहमद का हाइट है करीब 185 सेंटीमीटर, यानी 6 फीट 1 इंच। यदि बात करें उनके वजन की, तो उनका वजन है करीब 80 किलोग्राम। वहीं उनका बॉडी मेजरमेंट है 42, 32 और 14। वहीं उनका आई कलर है डार्क ब्राउन। यदि बात करें उनके हेयर कलर की, तो उनका हेयर कलर है ब्लैक। दोस्तों, अब बात करते हैं खलील अहमद के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपको बता दें कि खलील अहमद ने अपने कॉलेज की पढ़ाई जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान से कंप्लीट की। वहीं उनका हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। यदि बात करें खलील अहमद के कोच के बारे में, तो खलील अहमद के कोच का नाम इम्तियाज खान है। वहीं खलील अहमद इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं। यदि बात करें उनके हॉबीज की, तो उनकी हॉबीज है ट्रैवलिंग। दोस्तों, अब बात करते हैं खलील अहमद के क्रिकेटिंग कैरियर के बारे में। तो आपको बता दें कि खलील अहमद ने टेस्ट डेब्यू अभी तक नहीं किया है। यदि बात करें उनके वनडे डेब्यू की, तो उन्होंने अपना वनडे डेब्यू 18 सितंबर 2018 को हांगकांग के खिलाफ दुबई में किया। वहीं उन्होंने टी20 डेब्यू 4 नवंबर 2018 को ईडन गार्डन में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना वो टी20 डेब्यू किया। यदि बात करें उनके जर्सी नंबर की, तो उनका नंबर जर्सी नंबर है नंबर 27। वहीं उनकी बॉलिंग स्टाइल है राइट आर्म बॉलर। दोस्तों, यदि बात करें खलील अहमद के होम टीम के बारे में, तो खलील अहमद का होम टीम है राजस्थान। वहीं उनका आईपीएल टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। दोस्तों, अब बात करते हैं खलील अहमद के फैमिली मेंबर्स के बारे में। तो आपको बता दें कि खलील अहमद के पिता का नाम खुर्शीद अहमद है। यदि बात करें उनके मदर के बारे में, तो उनकी मदर होम मेकर है। दोस्तों, यदि बात करें खलील अहमद के ब्रदर्स और सिस्टर के बारे में, तो आपको बता दें कि खलील अहमद की 3 बहनें हैं। जो सबसे बड़ी बहन है, उनका नाम है सना खुर्शीद। दोस्तों, अब बात करते हैं खलील अहमद के नेटवर्थ के बारे में। तो आपको बता दें कि खलील अहमद का नेटवर्थ है करीब $3 मिलियन। वहीं उनके कार्स कलेक्शन की बात करें, तो खलील अहमद के पास एक ऑडी कार है जिसकी कीमत है करीब 2 करोड़ रुपये। दोस्तों, अब बात करते हैं खलील अहमद के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको भी पता नहीं होगा। शुरुआत में खलील अहमद के पिता चाहते थे कि खलील अहमद एक डॉक्टर बने, लेकिन खलील अहमद डॉक्टर बनना नहीं चाहते थे, जिसके लिए उनके पिता ने खलील को पीटा भी था। बचपन में खलील अहमद इरफान पठान और जहीर खान के एक्शन की नकल किया करते थे। 12 साल की उम्र में खलील ने अपने पिता को बिना बताए टोंक में क्रिकेट एकेडमी में एंट्री ले लिया। बाद में उनके कोच इम्तियाज खान ने उन्हें जयपुर राजस्थान में राजस्थान क्रिकेट एकेडमी भेजा, जहां वो राजस्थान अंडर 14 टीम में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी में राजस्थान अंडर 14 के लिए खेला, जिसमें उन्होंने सिर्फ 4 मैचों में 26 विकेट लिए। उनके शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें BCCI स्पेशलिस्ट एकेडमी में पंजाब के मोहाली कैंप में चुना गया। 2015 में श्रीलंका के अंडर 19 त्रिकोणीय श्रृंखला के दौरान, जिसमें उन्होंने भारत के लिए गेंदबाजी की, उन्होंने 5 मैचों में 13 विकेट लिए, जिसने 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम में अपनी जगह बना ली। 2016 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें 10 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल कर लिया। जब उन्होंने देवधर ट्रॉफी जीता, तो वह इंडिया बी टीम का हिस्सा थे। 2017 में उन्होंने जयपुर में रेलवे के खिलाफ राजस्थान के लिए अपना टी20 डेब्यू किया। उसी वर्ष उन्होंने जयपुर में जम्मू कश्मीर के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के लिए प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया। उनकी गेंदबाजी की गति लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटा थी। खलील अहमद को भी अक्षर से शुरू होने वाले शब्द बोलने में बहुत कठिनाई होती है, जैसे कि वो मैच को वैच, बाउंसर को भाउंसर बोलते हैं। खलील अहमद को सनराइजर्स हैदराबाद ने 2018 में 3 करोड़ रुपये देकर अपने टीम में शामिल कर लिया। तब से उनकी ज़िंदगी बदल गई। तो दोस्तों, यह थी खलील अहमद के बारे में शॉर्ट लाइफ स्टाइल वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।